हेलो पापा। हाँ पूजा बेटा, बताओ क्या हुआ? पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जिसके साथ काम करती थी वो लोग फ्रॉड निकले और वो लोग फ्रॉड करके भाग गए और सारा इल्जाम मेरे सर पे आ गया है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, तुम वहाँ पहुँच जाना और फोन ऑन मत करना वरना ट्रेस हो जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। जब तक बेल नहीं हो जाती है तुम वहीं चुप ही रहना, ठीक है? पूजा वर्मा ये बहुत ही शातिर लड़की है। इसने शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैनों को फिल्म बनाने के फ्रॉड में बहुत बड़ा चूना लगाया है। 500 करोड़ रुपए लेके भागी गई है। इस लड़की ने तो नाक पे दम कर दिया है शहर के बिजनेसमैन। इससे सावधान रहने की जरूरत है। बहुत जल्दी हम इसे पकड़ लेंगे, हमारे पास बहुत सारे क्लू आ चुके हैं। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये लड़की भोली भाली दिखती है लेकिन इससे जरूर बचे। ये किसी को भी बेवकूफ बना सकती है और बहुत बड़े फ्रॉड कर चुकी है। आगे पता नहीं ये क्या क्या कर सकती है। देखिए चाचा जी, पूजा जहाँ जिस ऑफिस में काम कर रही है ना, वो लोग बहुत कमीने हैं, एक नंबर के फ्रॉड आदमी हैं। और पूजा तो मुझसे बात कर नहीं रही है, लेकिन मैंने चोरी छुपे जिस ऑफिस में वो काम कर रही है उसके बारे में जानकारी किया है। वो लोग एक नंबर के फ्रॉड हैं और उन लोग कुछ बड़ा गेम करने वाले हैं। इस बार मैं 100% श्योर हूँ कि उन लोग इस बार बड़ा गेम करने वाले हैं और इसमें पूजा को वो फंसाने की चक्कर साजिश रच रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ आजकल के युवाओं को, ये पैसे के लालच में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। इनको रोकना बहुत जरूरी है। आज अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो कल ये और बड़े फ्रॉड करेंगे, क्या होगा इस देश का? इसलिए आप लोग हर हाल में इस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले आप पुलिस को तुरंत बता और ये लड़की बहुत जल्दी पकड़ी जाए। और मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश किया लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही है और बल्कि मुझे उसने डांट फटकार के भगा दिया है। और प्लीज़ आप ही जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं चाचा जी, आप प्लीज़ पूजा को बचा लीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर ये लड़की सलाखों के पीछे होगी। ऐसे लोग कानून के हाथों से बच नहीं सकते, बहुत जल्दी ये पकड़ी जाए। एक बार ये लड़की पकड़ी जाए ना, तब पुलिस क्या करती है क्रिमिनल के साथ ये उसको पता चलेगा और बहुत जल्दी ये लड़की पकड़ी जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस। हमने 5 बहुत बढ़िया टीमें बनाई है इस लड़की को पकड़ने के लिए, जो अलग अलग शहरों में जा चुकी है और हर जगह हर पुलिस थाने में इसकी फोटो इसकी डिटेल्स जा चुकी है और पूरी मीडिया में आप लोग इसको दिखाएं। ये लड़की कहीं भी बच के ना जा पाए यहाँ से, इसी शहर के अंदर उसको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो ये शहर में एक दीमक की तरह शहर को खा जाएगी। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये लड़की कहीं भी दिखे आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। जो इस लड़की का पता बताएगा शासन की तरफ से उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चौकन्ने रहिए और इस लड़की से सावधान रहिए। ये किसी भी रूप में किसी भी वेश में कैसे भी आके आपके साथ फ्रॉड कर सकती है। आपको कोई भी सूचना या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस तरह का मिले पुलिस को तुरंत सूचित करें। हेलो। हाँ भैया, पूजा कहाँ है? आपने न्यूज़ देखा क्या? ये सब क्या बोल रहे हैं न्यूज़ में? हाँ एकदम सही बोल रहे हो, मैंने भी पूजा से बात की है। पूजा है कहाँ अभी? उसको मैंने एक एड्रेस दे दिया, वो वहीं छुपी हुई है। हाँ मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। ठीक है, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम भी पहुँचो। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। चलो लंकेश, मैं निकलता हूँ, तुमको फोन करूंगा। ओके चलो प्रभु,
आपने मेरा सारा काम करवा दिया, बस थोड़ी सी मदद और कर दीजिए, ये शहर छोड़वा दीजिए प्रभु, बस सारा केस तो पूजा झेलेगी। सारा माल तो अपने अंदर है, झेलेगी तो पूजा। सीईओ रोज सरप्राइज। जय हो प्रभु। अब धीरे से निकल लेता हूँ, कोई देखना है। हाँ पूजा, तुम मुझे शुरू से बताओ आखिर हुआ क्या था। हाँ पापा, जब मैंने आपसे जॉब के लिए बात की थी उसके बाद एक जगह गई थी जहाँ जॉब मिल रही थी, मैंने उधर ज्वाइन कर लिया। शुरू शुरू में तो वो लोग बहुत अच्छे लगे, मेरा प्रमोशन करते गए। मुझे लगा कि मेरे टैलेंट की वजह से मेरा प्रमोशन हो रहा है, पर वो लोग मुझे फंसा रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला मैं उनके जाल में फंसती गई। और एक दिन मैंने फाइनेंसरों से मीटिंग करके कंपनी के लिए फाइनेंस की जुगाड़ करवाई, और जब पैसा आ गया और वो लोग मुझे बिना बताए पैसा लेकर भाग गए, मेरे पास बहुत सारे कॉल आने लगे, मुझसे बदतमीजी से लोग बात करने लगे, मैं घबरा गई। पहले तो मुझे नहीं पता चला, फिर बाद में मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो गई हूं मैं। पापा प्लीज मुझे बचा लो। देखो पूजा, सब चीजें हम सॉल्व कर देंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक दो दिन यहीं पे रहना होगा जब तक कि मैं पूरा काम एकदम सही से ख़त्म नहीं कर देता हूँ। नीचे एक कमरा है, तुम चुपचाप वहाँ पे बनी रहना, किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। प्लीज कुछ करके बचा लो। मैंने कुछ बातें आपको नहीं बताई, मुझे आज उसी का पछतावा हो रहा है। चाचा प्लीज़ मुझे बचा लो चाचा, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे फंसाया जा रहा है। दुनिया में कितने गंदे लोग होते हैं मुझे आज पता चला है, और मैंने ऐसे लोगों की बातों पे यकीन करके सारा काम किया। मुझे कुछ नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। सारी दौलत मेरी है, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले मैं इस लेखन किनारे करूंगा, पैसा लेके बैंकॉक निकलूंगा। एक महीने तक तो मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। बैंकॉक ही सेटल हो जाऊँ, वहाँ मसाज भी बढ़िया होता है। मतलब मुझे तो यहाँ से अब जिन सी आने लगी है। उसके बाद यूएस वगैरह का एक टूर लगा लूँगा। और ए यार, एक तो रोशनी का नाम आया था, मेरा मूड खराब हो जाता है। एक छोटा मोटा घर लेके यहाँ भी डाल दूंगा, वही पड़ी रहेगी। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फोन करूँ यार, दारू पीने का भी मन कर रहा है। मेरा स्टाफ भी एकदम पूरा था, उसमें से तो किसी को बुला नहीं सकता। चलो ना, फोन कभी फोन कर लेता हूँ। अरे हटा यार, अकेले ही पी लेता हूँ। ब्लैक डॉग यार, तो जवान जल गई है। महंगी वाली पीऊंगा, महंगी वाली। और मैं यही पीछे वाली कोठरी में।